हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, आज हम आपका डाउट ही क्लियर करने वाले हैं। आज जो ब्लाउज की तीरा में आप लोगों का डाउट होता है वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे, उसकी कटिंग भी बताएंगे, स्टिचिंग बताएंगे, और जो आप लोग इधर उधर उसकी कलियाँ कर देते वो भी हम बिल्कुल स्टिच करके सही से बता देंगे। आज आपका सारा डाउट होगा क्लियर। आप लोग हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड, थोड़ा सा काम मैंने पहले से ही कर लिया, आपको भी कर लेना है। ये मतलब मुझे सिर्फ तीरा बताना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा काम पहले से कर लिया, इसे काट के पहले ही रख लिया है। तो बस आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ नाप, इस तरीके से आपको बनाना है। इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रखनी, हम नॉर्मली 15 इंची रखते हैं, लेकिन हमने इसे 16 इंची रखा है। थोड़ी 1 इंची नॉर्मली रखनी, नॉर्मली मान लीजिए। उसके बाद गला अपने हिसाब से काट लीजिए, बाजू भी अपने हिसाब से काट लीजिए। अब सिर्फ तीरा हम बता रहे हैं, तीरा के लिए हमें क्या करना है, चाहे हैवी साइज हो और चाहे नॉर्मल साइज हो, उसके लिए तीरा सिर्फ एक ही रखेंगे हमें। जस्ट यहाँ से दिखा लीजिए, जस्ट यहाँ से रखना है फीता, और यहाँ पर बीच में यहाँ पर 12.5 पर यहाँ पर पहले बीच में निशान लगाना है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ 4 इंची पर ही निशान लगाना हमेशा, कितना भी हैवी साइज हो कम हो 4 इंची पर लगाना है। उसके बाद इस साइड आ जाएंगे, इस साइड हम 5 इंची पर लगा लेंगे और इस तरीके से मिला देंगे। उसके बाद इसे काट के अलग कर लेंगे। इतना हमने काट के अलग कर लिया। अब इसमें काम हमारा रह गया, इसमें हमें पहले यहाँ से यहाँ तक हमारा है 4 इंची, 4 इंची का हाफ हो जाएगा 2 इंची। तो पहले 2 इंची पे निशान लगाएंगे, ये हो गया हमारा 2 इंची, मतलब इसका हाफ ही रखना है, हाफ पर ही हमें निशान लगाना है। जो हम उसकी भी लेंथ हमें ज़्यादा नहीं, 2 इंची रखनी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे आसान तरीका है, हम पहले से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इस तरीके से हाफ हाफ कर लेंगे, यहाँ पर निशान लगा लेंगे और यहाँ देखकर इस तरफ भी निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 1 इंची यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ से 1 इंची इधर साइड, यहाँ यहीं पर हमें 1.5 इंची के करीब निशान लगाना है। 2 इंची लगा लीजिए आप लोग, 2 इंची करीब निशान लगाना, ये हमारा बीच का निशान हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमें 4 इंची पर लगाना है, ढाई 3 इंची का ये भी निशान हम लगा लेंगे। देख लीजिए हमने लगाया 3.5 इंची का, 3.5 इंची का ये निशान लगा लिया है। अब रह गया ये वाला, इसके लिए हम 1 इंची यहाँ पर छोड़ के 1 इंची यहाँ निशान लगा लेंगे और इससे जस्ट 1 इंची नीचे यहाँ, इससे इसके दोनों के बीच के जो पार्ट है ना, दोनों के बीच के वहीं पर हम इसे मिला देंगे इस तरीके से, और यहाँ इस तरीके से आना है, इतना इतना रखना है। इस वाले निशान को हमें थोड़ा और इधर बढ़ा लेते हैं, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा इधर लग रहा है निशान, और ये निशान, इन दोनों निशान के बीच में ये प्लेट हम डालेंगे, ये वाली। तो हम प्लेट डाल के दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। हो गया हमारा, हमने प्लेटों जो हमने निशान लगाए थे उन पर हमने प्लेटें डाल रखी हैं। तो इसे आप कर लेते हैं सीधा, तो देख लीजिए फ्रेंड।
ये वाली सिलाई हमने डाल रखी है। अगर आप चाहें तो एक और सिलाई यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन एक ही बहुत अच्छी लग रही है हमारी, तो हम एक ही रखेंगे। बैक साइड भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर हमने एक काम और किया है, अगर आपका कपड़ा थोड़ा मोटा सा है तो आप यहाँ पर ये वाली सिलाई डालते वक्त जो यहाँ पर सिकुड़न सा हो जाता है उसे हटाने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा सकते हैं। देखिए मैंने ये वाले कट लगाए, ये वाले छोटे छोटे कट लगा सकते। मैं ये काम पहले बताने वाली थी, लेकिन हर एक ब्लाउज में ऐसा नहीं होता है, जो ब्लाउज जो थोड़े मोटे कपड़े के होते हैं उनमें ही ऐसा करना पड़ता है, इसलिए पहले नहीं बताया। लेकिन आप लोगों को अगर दिक्कत आ रही है तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर हमारा तीरा लग के तैयार है फ्रेंड।